हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो और इस वीडियो पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऊपर इंस्टाग्राम हैंडल और ट्विटर हैंडल भी आ रहा है, उसको भी आप फॉलो कर देना। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज जो भी है काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो है और कॉलेज रिव्यू वीडियो है, तो आपको पता है कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ये हैप्पी अमाउंट है। तो इस चक्कर में लोग को क्यूरियोसिटी रहता है कि कोई अच्छा कॉलेज या कोई, जैसे बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, हिडन फी होता है, फैकल्टी शॉर्ट वगैरह सब रहता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, लोग बहुत सारी परेशानियाँ होता है क्योंकि एक दो साल की बात नहीं है, आपको 4.5 इयर्स की बात है। और चार साल कैसे, आप कैंपस भी कैसा है उसका और फैसिलिटी कैसा है, वहाँ पे एसी अवेलेबल है कि नहीं, नॉन एसी है कि हिडन कोई चार्ज है, कि फैकल्टी वगैरह सब बहुत सारी चीज़ होती है, कैडावर कैसे है, क्योंकि MBBS एक होल सेल बेस बहुत बड़ा है। और उस चक्कर उसमें भी बहुत सारे, जैसे आपको फी ऑफिशियल पे कुछ है, अनऑफिशियल पे कुछ है, तो ये होता है। तो आप लोग के इसी प्रॉब्लम के लिए मैं वीडियो आया है। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इस ऐसे वीडियो के लिए आप प्लीज़ फॉलो कर देना इंस्टा, हर एक जगह फॉलो मुझे कर देना। तो चलिए हम अपने ये बड़ी अच्छी बात पाते हैं। तो आज हम लेके आ चुके हैं एक और कॉलेज रिव्यू वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे KD मेडिकल कॉलेज मथुरा में जो है, इसमें जो है 2015 में इस्टेब्लिशमेंट है, और कॉलेज का जो टोटल सीट इनटेक है वो 150 सीट है। और इसमें जो है कॉलेज का जो फैसिलिटी है वो बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल, क्रिकेट, जिम, लाइब्रेरी है, बैडमिंटन कोर्ट प्रॉपर ठीक ठाक है, और कैंटीन है। इसके बाद जो है कैफेटेरिया, कैंटीन, और एक छोटी सी मार्ट भी इसमें है, जो इसमें सारा सामान मिलेगा। और यूनिवर्सिटी से अटल बिहारी वाजपेयी से हो गए। और इसके बाद जो है कैंपस, इसके फर्स्ट ईयर के लिए जो ऑटिंग टाइम दे दिया है वो 9:30 PM में है, और फ्रॉम सेकेंड ईयर के लिए 11 बजे रात तक के, लाइक कभी भी आओ कभी भी जो है इस टाइप का है। इसके बाद जो है चलिए इसका ट्यूशन फी बात करते हैं। तो इसका ट्यूशन फी जो है 2022 के लिए है वो 12,28,240 रुपीज़ फॉर ट्यूशन फी। एंड अब वो फर्स्ट ईयर में टोटल फी पेमेंट करने के लिए वो 70,63,840 रुपीज़। एंड इसके बाद ये जो इसका कट ऑफ जाता है वो जाता है, इसका टोटल फी फॉर पॉइंट है वो 65,87,280 रुपीज़ रुपये, जो 4.5 ईयर्स में आपको देना होगा। और इसका कट ऑफ जाता है फर्स्ट टर्म का जो पिछले साल का जो कट ऑफ है वो फर्स्ट टर्म का वो 329 है, और वह 329 सेकेंड राउंड का कट ऑफ है वो 560 है। इसलिए कहते हैं ना कि आप अगर कट ऑफ देखो कितना इंक्रीज किया, इसलिए कहते हैं कि कट ऑफ जो है सेकेंड राउंड हमेशा बढ़े, क्योंकि जो है इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस रहता है और बहुत सही गाइड करता है, तो आप कम मार्क्स में अच्छे कॉलेज। और इस साल पिछले साल का कट ऑफ इसलिए गिरा था क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आया था, इसलिए कट ऑफ गिर गया। और फिर इस साल भी हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी है कि क्योंकि कट ऑफ आ गया है, तो इस प्राइवेट कॉलेज का आराम से कट ऑफ गिर सकता है। और आपको ये सब बता दें, एसी अवेलेबल है, कोई और कोई बिल नहीं लगता है एसी का। उसके बाद जो इंटर्नशिप स्टाइपेंड जो है 7,000 करीब, और पैसेंट फिलो जो 400-500 पेशेंट पर डे आता है, और लॉन्ड्री जो है पर ईयर अगर बात करें तो 5,000 के, और 5,500-600 रुपये पर मंथ होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर करें मत।